हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं आज हमारे पास यहाँ पे डुवंडेकर के बोर्ड्स है और अभी ये सभी स्टूडेंट्स को देंगे। इससे पहले जो हम बोर्ड दिए थे उसका भी वीडियो हमने डाला, जैसे कि आपने देखा 4G का सेट दिए, दो सैमसंग के वाइट पेस्टेड दिए, उसके बाद दो ओप्पो वीवो का कोई ब्लैक पेस्टेड का दिए। यहाँ पे भी ये वाले सेट्स है, जैसा आप देख सकते हैं इसका शील्ड भी निकला हुआ नहीं है, पूरा शील्ड है, पैक है। तो इस पर पहले भी एक बोर्ड दिए थे जिसमें CPU वगैरह खुला हुआ था, जिसमें प्रैक्टिस किए स्टूडेंट, और अभी इस तरह के बोर्ड्स है जो कि पूरे पैक है और ये सबको देंगे। और इसमें बहुत सारे हैंडसेट जो है, इसमें से अपना अपना लक है, ये स्क्रैप बोर्ड रहते हैं, इसमें से काफ़ी सारे ऑन भी रहते हैं, वो स्टूडेंट चेक कर लेंगे कौन से ऑन है क्या है, जो भी है किसको ऑन लगता है तो ऑन पे प्रैक्टिस करेगा, अगर ऑन नहीं है तो रिकॉलिंग का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को एक एक बोर्ड देंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, सभी प्रैक्टिस करेंगे, इसका CPU खोलेंगे, रैम खोलेंगे, रिवॉल्व करेंगे, और ये जितना भी काम करेंगे स्टूडेंट ही करेंगे। देखिए हैंड स्किल अभी इतना 10 दिन में कहाँ तक आया, ये भी टेस्ट हो जाएगा साथ ही साथ इनका, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। चलिए ठीक है, चलो लगो डिस्प्ले उसप्ले सब लगा। नीचे का पत्ता मत लगा, चार्जिंग का निकाल दो, वो चार्जिंग का है कि डिस्प्ले का है? चार्जिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे साथ स्टूडेंट है और यहाँ पे एक डबल डेकर का सेट बना है अभी M20। तो सबसे पहले थोड़ा अपना नाम बताओ भाई। राहुल। राहुल कहाँ से है तुम? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। अभी क्या करे इस हैंडसेट में? CPU और रैम दोनों निकाल के रिवॉल्व करके लगाए। चालू सेट का सर? चालू सेट दिया आपको पहले भी और अभी ये ऑन हो गया, कैसा लग रहा है अभी ऑन करने के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले जब आए थे यहाँ पे कितने दिन हो गया आज को अभी अपने को? सर अभी 10 दिन हो गया। 10 दिन पहले जब आए थे, जब क्या लेवल का काम करते थे आप यहाँ आने से पहले? सॉकेट आईसी, छोटी मोटी आईसी, छोटे मोटा काम करते थे। यहाँ जब आए फर्स्ट दिन आपको रिवॉल्विंग सिखाए? यस सर। इससे पहले 4G CPU पे काम कराया आपको ऑन सेट पे? हाँ। फिर व्हाइट पेस्टेड सैमसंग के दो बोर्ड दिए? यस सर। दो वीवो के दिए, उसमें भी आप ब्लैक पेस्टेड ऑन कर लिए थे? यस सर। CPU वगैरह लगा के? यस सर। और अभी डबल डेकर भी कर लिए? यस सर। तो ऐसा सोच के आए थे कि आप इतना कुछ कर सकते काम बोल के? नहीं सर। यहाँ कैसे आए आप, किसके थ्रू आए यहाँ तक, हैदराबाद कैसे आ गए आप? सर मैंने आपका वीडियो देखा। हाँ, उसके थ्रू। तो जो देखे थे वीडियो, आज आप खुद बैठ के बोल रहे हैं, कुछ फेक वीडियो नहीं रहता यहाँ पे? नहीं सर। क्योंकि इतने सारे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ही डबल डेकर बना रहे हैं यहाँ पे? नहीं सर, सब बना। हाँ, सब बना। सभी स्टूडेंट कर रहे हैं और भी काफी सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। तो इंडिया में इतने सारे नॉर्थ में इंस्टीट्यूट है, वहाँ नहीं जाके आप, यहाँ क्या अलग लगा आपको अभी आने के बाद की बात बताओ? सर यहाँ के सरकार समझाना, सबको, सबके पास जाके बताना कि कैसा है वैसा है, ये करो वो करो, कुछ गलती हो गई तो, और यहाँ का बिहेवियर अच्छा है तो सर फ्रेंडली रहते सर। सर आके बता रहे हैं एक एक चीज आपको, एक एक चीज़। सब हाथ से करे आप इसका जो है, आप खुद खोले ना CPU? यस सर। आप क्लीन करें ड्रम भी रैम के ऊपर के आप ही बनाए? यस सर, सब मैंने किया। अभी जाके काम कर सकते ना यहाँ पे? कोई आना चाह रहे महाराष्ट्र से, उनको क्या बोलना चाहेंगे मराठी में बताओ? कोनी पण येत असेल तर येऊ शकतात, काही प्रॉब्लेम नाही, तो इंडिया तो चांगला नंबर 1 इंस्टिट्यूट आहे। अच्छा, आपका शॉप कहाँ पे है? आरवी में। आरवी में, कोई थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे साथ एक स्टूडेंट है, सैमसंग गैलेक्सी A20 ऑन हो रहा भाई सेट ये। सबसे पहले आपका नाम बताओ, क्या नाम? हाँ, अर्जुन। कहाँ से आप? कर्नाटक से। कर्नाटक से है। तो अभी क्या किए इसमें?
डबल डेकर था ऑन था पहले भी सेट ये ऑन था क्या करे इसमें सीपीयू निकाले रैम निकाले आप खुद निकाले ना सब कुछ अपने हाथ से निकाले अभी कितना दिन हो गया आज को अपने को 10 दिन हो गया जब आप पहले आए थे आप आने से पहले क्या काम करते थे दुकान में टच और ग्लास का काम करते थे ये तो फेक बात तो नहीं बोल रहे नहीं नहीं सर अच्छा मेरे साथ और भी स्टूडेंट है यहाँ पे किरण ये आपके साथ ही है ना ये अभी बोल रहा है ये लाइव टच ग्लास का काम करता था पहले से तो ये जब आया तो पहले रिवॉल्विंग सिखाए नॉर्मल एसी फिर एसी लगाना सिखाए अभी ये डबल डेकर करा ये खुद करा कि टीचर करे ये खुद करा ना हाथ से ठीक है तुम भी कर रहे हो बताओ थोड़ा सा तुम भी कर ही रहे हो चेस्टन साहब ठीक है तो अर्जुन पूरा ऑन हो गया सेट जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ऑन हो गया तो अर्जुन बताओ कैसा लग रहा है अभी सेट ऑन करके बढ़िया चेहरे पर स्माइल तो दिख रही नहीं मेरे को बढ़िया लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो कोई आना चाहे तो उसको क्या बोलना चाहेंगे यहाँ सीखने के लिए आना चाह रहे थे नंबर वन स्टूडेंट है सर हाँ क्या सोच के आए थे ना उसके से ज़्यादा ही मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है उससे कुछ इधर का बात नहीं है बात करने के लिए नहीं होता सर वैसा ही स्टूडेंट है अच्छा कुछ बोल नहीं सकते आप इतना यहाँ पे मिल रहा है आपको तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है बच्चे जा रहे हैं पता नहीं क्या काम सीख रहे क्या कर रहे हैं तो वैसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे आप उधर का और इधर ढूंढने के लिए एक ही जगह है फोन पिक्सल के लिए आ गए तो डायरेक्ट एक ही बात में सीख के जाते हैं तो आप अकेले डबल डेकर बनाए कि यहाँ पे जो दूसरे बच्चे हैं ये लोग भी डबल डेकर बना रहे सब लोग बना रहे ऑलरेडी कितने बच्चे ऑन कर लिए ना ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मास्टर बनने से बना रहे हैं जैसा आप खुद है आप खुद ग्लास डालते थे टच डालते थे आज एक डबल डेकर का सीपीयू बना के डाल दिए सीपीयू खोले आप खुद खोले ऐसा नहीं है कि हम खोल के क्लीन करके रिवॉल्व करके तो नहीं दिए अपने हाथ से खोले तो जब पहले दिन आए तो पहले रिवॉल्विंग सिखाया आपको फिर सैमसंग के दो बोर्ड दिए उसमें प्रैक्टिस कराए उसको में भी प्रैक्टिस कर दिए सर वो भी ऑन बोर्ड ही दिए थे वो भी ऑन दिए थे उसके बाद एक ओप्पो एक वीवो ब्लैक पिक्सल दिए थे अच्छा वो भी ऑन बोर्ड ही दिए थे सर अच्छा वो भी करे थे आप वो भी करे और आज डुअल डेकर भी बना दिए अच्छा फील हो रहा है फील अच्छा हो रहा है सर खुश हो रहा है सर इधर आने ये कोई फेक वीडियो तो नहीं है नहीं सर क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं क्योंकि हम तो ऐसा ज़बरदस्ती तो नहीं बुलवा रहा हूँ आपसे नहीं सर नहीं वैसा तो कुछ नहीं सर रियली है सर क्या अलग लगा आपको इंडिया में दूसरे इंस्टीट्यूट से यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट है वहाँ से यहाँ क्या अलग है ज़्यादा ही बढ़िया है सर इस मेरे को इधर आने में पहला सोच के आया था उधर से ज़्यादा ही मिल रहा है दूसरा इंस्टीट्यूट का हम पता ही नहीं और दूसरा लोग उधर उधर जाने के लिए छोड़ के इधर आ सकते हैं अच्छा कर्नाटक से आप हाँ सर कर्नाटक अच्छा ठीक है थैंक यू वेरी मच बैटरी लगा हुआ वापस से फोटो वोटो लिए नहीं लिए खोले सो हाँ बताना मेरे को तेरे फोन में यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आज डुअल डेकर का क्लास चल रहा है सभी स्टूडेंट के पास डुअल डेकर है और यहाँ पे A20 M20 ऑन हो रहा है हैंडसेट तो मेरे साथ जो स्टूडेंट है सद्दाम हुसैन तो क्या किया सद्दाम इसमें बताओ सर ये फेक फेस था पूरा सर स्टार्टिंग से काम किया मैंने क्या क्या किया इसमें सर डबल डेकर था उसको पूरा बनाया सीपीयू रैम निकाले सर, खुद आप ही निकाले ना पूरा शिल्ड सब लगी हुई थी पूरा पैक पीस था ऐसा तो नहीं पहले से काम करे हुआ था पेस्टेड था ना पहले से खुद निकाले रिवॉल्व करे रैम सीपीयू आप ही लगाए सेट कुछ फोटो वोटो है आपके पास बता सकते ज़रा है ना सर चलो बता दो अच्छा लग रहा भाई वेल्डन यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है और सीपीयू खोल दिया रैम भी खोल दिए ऑन हो रहा तो अभी ये डबल डेकर बना लिए कैसा लग रहा अभी बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा चेहरे की खुशी बता रही और ये आप अकेले बनाएंगे और दूसरे बच्चे भी बना लिए आपसे पहले सब बना रहे ना सब बना रहे ऑलरेडी आपसे पहले भी दूसरे बच्चे ऑन करे ना मैं ये इस बार इसलिए पूछ रहा हूँ आप कहाँ से पहले बताइए MP इंदौर से है बहुत सारे इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे सिर्फ डेड फोनों पे काम कर रहे हैं खोल तो रहे हैं लेकिन लगा के ऐसा ऑन नहीं कर रहे हैं ठीक है तो आप वैसे बच्चे जो जाके सीख रहे हैं ऐसे इंस्टीट्यूटों में जहाँ पे सिर्फ खाली खुला रहे
ऑन हो रहा नहीं हो रहा, क्या है क्या हो रहा नहीं मालूम हो रहा इसमें, ठीक है। तो वो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप, अगर जाके वो सीखना चाह रहे हैं इंडिया में कहीं पे भी, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे, कहाँ जाए, कैसा सीखे, यहाँ के बारे में बताओ। सर मैं जब यहाँ पे आना चाह रहा था तो बहुत लोगों ने मना किया, बोले यहाँ पे इधर कहीं मत जाओ, इधर यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है सर, पर मेरे को यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ से कहीं पे भी पूरा इंडिया में अच्छा नहीं था। अच्छा, सबसे बेस्ट है सर, सबसे बेस्ट है सर। हमें 11-12 दिन हो गए सर, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, काम ही काम कर रहा है, काम ही काम बता रहे सब लोग काम कर रहे हैं, उसका है तो उससे ज्यादा काम बता रहा है, हमारे दिमाग से भी बाहर जा रहा है कुछ काम, कैच भी नहीं कर सक रहे इतना। अभी ऐसा तो नहीं यहाँ पे जब 2-4 घंटे बढ़ा रहे हैं या दिन भर थ्योरी पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे ठहरा के, सुबह आते हैं हम 10 बजे, रात को 9 कब बज जाती पता भी नहीं चलता है काम में, मतलब 10-12 घंटे क्लास चल रहा है। ये तो आईसी लगाने की बात हो गई, बाकी सर्किट वगैरह भी पढ़ा रहे हैं आपको सुबह की क्लास में, कैसा सर्किट डायग्राम वगैरह जो लाइन ट्रेसिंग या डायग्राम रीड करना है वो कैसा पढ़ाया आप? सर बिल्कुल, जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता सर वहाँ से स्टार्ट किया, सीधा बेसिक कनेक्टर से लेकर पूरे बोर्ड में जितने भी रजिस्ट्रेशन डायोड वगैरह जो है सर एक एक पढ़ाया, रजिस्टर डायोड कैपेसिटर सारा चीज, और सेक्शन वाइज पढ़ाया आपको लाइट चार्जिंग ग्राफिक स्टेप बाय स्टेप बताए सर, अलग अलग क्लास ले। हाँ, समझ में आया आपको जो सोच के आए थे मिला आपको? बिल्कुल सर, यही तो सोच के आए थे यही तो सोच के आए थे आज सेट भी बना लिए यहाँ पे, देख सकते हैं फ्रंट से, थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने के लिए, अभी ऑन भी हो जाएगा। आप कहाँ से वैसे एमपी में? इंदौर से। एमपी से इतनी दूर कैसा आ गया आप, दिल्ली मुंबई कलकत्ता? बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ऊपर नॉर्थ में भी, जो लड़का जो काम करके यहाँ पे गए थे ना, अच्छा उन्होंने तारीफ की थी सर, तो इस हिसाब से मैं आया। अच्छा, पुराने स्टूडेंट जो सीख के गए थे उन्होंने बोला अच्छा सिखाएंगे, वहीं जाओ, और आप जाके आएंगे तो आपको भी कोई पूछेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं भी बोलूंगा ना जिन पे जाइए आप। अच्छा अच्छा, बाकी रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पास में ही है, हॉस्टल ज़्यादा दूर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, पास में ही है। अच्छा, वो मेरा सेट है भाई वहाँ पे, देखो आपके साथ कुछ सेट लेके आए रिपेयर के लिए? साथ में नहीं लाया। अभी लाइव यहाँ पे जो डेड हैंडसेट वगैरह है सब बना के बताएं यहाँ पे, लाइव बहुत इजी हो गया, पहले भी काम करते थे होंगे आप ब्लैक पेस्टेड का, तो अभी का ट्रिक कैसा लग रहा? बहुत इजी हो जा रहा, और जो सेट यहाँ पे लाइव ट्रेस करके बनाते हैं पहले से टीचर लेके चेक करके रख लेके बताते हैं कि आपसे डायरेक्ट लेके बताते हैं? चालू करते हैं तो स्टेप बता देना आपको कहाँ से करना है क्या है, ठीक है सदम, थैंक यू वेरी मच, बैटरी वगैरह चार्ज होना दो उसमें, वेल डन, गुड जॉब, गुड जॉब भाई। एक फोटो वोटो कुछ लिए थे है ना, थोड़ा ऑन कर दो, ठीक है अच्छे से लगा दो उसको, उधर घुमा दो, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरे साथ एक स्टूडेंट है जो कि नेपाल से है और सैमसंग का A7 2018 का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंडसेट इनका ऑन हो रहा है, अभी डुअल डेकर A7 इन्होंने ऑन किया है, यहाँ पे डुअल डेकर CPU इन्होंने किया, CPU और RAM लगाए, और यहाँ पे मैं इनके फोटो क्यों बताना चाहूँगा थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो जितेंद्र ये जो सेट अभी ऑन हो रहा है यहाँ पे जैसा कि देख पा रहा हूँ मैं, तो इसमें आप CPU RAM दोनों आप खुद खोले? हाँ सर, खुद हाथ से लगाए। हाँ सर, वाइट पेस्टेड है, वाइट पेस्टेड है। हाँ, इससे पहले भी एक डबल डेकर बना लिए थे आप? हाँ सर, M10। अच्छा, आप नेपाल से आए यहाँ पे? हाँ सर। तो जब यहाँ आने से पहले आज कितना दिन हो गया अभी? आज सर 12 दिन। 12 दिन पहले क्या काम करते थे आप यहाँ आने से पहले नेपाल में जब थे? पहले ये सब मैं करता था। हाँ, क्या लेवल का काम करते थे? वही चार्जिंग फ्लैक्स, चार्जिंग बोर्ड हो गया, डिस्प्ले वगैरह, आईसी का काम भी करते थे पर इतना नहीं करते। देखो यहाँ पे पूरा सेट ऑन हो गया जैसा कि आप देख सक रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है, रहने दो जितेंद्र। तो ये बताओ जितेंद्र, अभी ये डबल डेकर भी कर लिए आप, इससे पहले ब्लैक पेस्टेड कराया आपसे,
उससे पहले वाइट पेस्टेड कराए, और जब पहले दिन आए थे तो रिवॉल्विंग सिखाए, उसके बाद में फिर आपको एक 4G हैंडसेट पे एक CPU और EMMC पावर वगैरह लगाने दिए, ठीक है। तो आप नेपाल से इतनी दूर साउथ हैदराबाद में क्यों आए इतना दूर? क्योंकि नॉर्थ में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, बड़े बड़े नाम भी है, काम क्या है वो तो आप लोगों को भी पता है, तो वहाँ नहीं जाके आप यहाँ क्यों आ गए फोन फिक्स हैदराबाद? सर यहाँ का अच्छा लगा मेरे को, लोगों का रिस्पॉन्स देखा अच्छा है इसीलिए। तो जो सिखा रहे समझ में आया आपको, जो सोच के आए थे मिल रहा आपको? कहीं उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा मिला है। सब लोग एकदम अच्छे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अब टूल्स जो दे रहे हैं आपको सारे ब्रांडेड टूल्स दे रहे हैं आपको, ऑर्डिनरी टूल्स तो नहीं दे रहे? ऐसा तो नहीं है कोई थिनर नहीं दे रहे, पीपड़ी पेस्ट नहीं दे रहे? तो हम लोग अपने हिसाब से यूज करते हैं, कोई भी चीज की कमी तो नहीं है। रहने खाने का कैसा है यहाँ पे? रहने का और बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। और कोई अलग अलग स्टेट से खाने का तो मैच नहीं होता वो, आप नेपाल से है तो नेपाल से अगर कोई आना चाह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा नेपाली में बताओ क्या बोलना चाहेंगे उनको, थोड़ा टोटल बता दो कितना दिन का क्लास है, क्या है, कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे, थोड़ा नेपाली भाषा में बताओ ताकि वो बच्चे यहाँ से कॉन्टेक्ट करें। नेपाल का दाजु भाइहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि अब तपाईँहरूले आफूलाई अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने अन्तै कहीँ जानु पर्दैन, यहाँ फोन फिक्स हैदराबाद आउनु, राम्रो छ, धेरै राम्रो छ, हामीले सोचेको भन्दा यहाँ बढी छ क्या। अब टाइमिङ वगैरह बता दो रहने का, टाइमिङ हाम्रो अब 10 घन्टादेखि 11 घन्टासम्म क्लास हुन्छ, प्र्याक्टिकल नै भनौँ न 9-10 घन्टा हुन्छ, त्यस एकदमै राम्रो छ। तो नेपाल से आना कैसा है यहाँ इन्डिया हैदराबादको आना कैसा है, रुट क्या है? रूट थोड़ा दिक्कत है। आप नेपाल में कहाँ से हो? नेपाल में मेरा परमानेंट एड्रेस सर्लाही जिला है, फिलहाल रहता हूँ काठमांडू में। अच्छा, तो नेपाल से इंडिया आना कैसे है, मतलब ट्रेन से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं? कैसे फ्लाइट से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन से आना हो तो कैसे आना है? ट्रेन से आने के लिए पहले रक्सौल आना पड़ेगा। अच्छा, रक्सौल से मतलब हैदराबाद सिकंदराबाद के लिए ट्रेन मिल जाता है, और फ्लाइट से आना है तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना है। आपको आने में करने में कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो नहीं है सर, पर टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम तो लगता है, आप उतना दूसरे कंट्री से आए, आप लगभग 42-43 घंटा लगा इतना जो आप सोच के आए इतना दूर आए नॉर्थ को, तो आपका पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ भाई? सर पैसा वसूल एकदम एकदम वसूल है, सेटिस्फाई है कि नहीं है? एकदम सर, जाके काम कर सकते ना अभी? ये तो हो गए हैंड स्किल की बात, सर्किट वगैरह की बात पूछूं आपको, लाइन वगैरह ट्रेस कर लेंगे? हाँ सर एकदम। डायग्राम वगैरह रीड करनी है? वगैरह का नॉलेज कुछ नहीं था, जीरो था। हाँ, कंपोनेंट चेक करना है या कोई सेक्शन में जाना है, आईसी में कितने वर्किंग है, क्या वर्किंग है, कैसा काम करती, सब कुछ लाइन ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप्स करो भाई सब लोग। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र। फोटो टू है ना तुम्हारे पास सतीश? रिवॉल करे सो फोटो लेने बोला था, है ना? बैटरी पहले लगा के सब लगाते पहले। वाह, एक बार जोरदार क्लैप सब लोग। क्या कर रहे हैं नू? तुमने बना दिए। तुम्हारा कहाँ तक आया भाई? रैम लगानी है। रैम लगाना है, ठीक है। तो ये देखो ऑन कर रहा है ये। अच्छा मैं इनसे नहीं पूछ रहा हूँ अभी, थोड़ा आप लोगों से पूछता हूँ भाई। ये तुम्हारे साथ में है ना बैचमेट? इन्हों आए जब क्या काम करते थे? रिबॉलिंग वॉलिंग आता था क्या? अभी डायरेक्ट इनसे नहीं पूछ रहा हूँ भाई, क्योंकि आप लोग साथ में देख रहे हैं। तो डे बाई डे क्या हो रहा है? देखो सेट पूरा खुल गया भाई, यहाँ पे चालू हो गया ना। क्या कर रहे हैं इसमें? रैम और सीपीयू रिवॉल्व करे, है ना? अच्छा सब लोग करे प्रैक्टिस, ठीक है। सतीश ये बताओ भाई, अब तुम्हारे से पूछते, कहाँ से है तुम पहले? गुंडूर से है, प्रॉपर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के है? अच्छा, जब आए थे जब रिवॉल्विंग वगैरह आता था क्या आपको? नहीं आता था सर, टच ग्लास डालते थे। अब डबल डेकर बना दिए, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा, अभी तो रिवॉल्विंग कर रहे हैं अच्छे से। कैसा सिखाए यहाँ पे तुम्हारे को? मिल रहा है जो सोच के आए थे मिल रहा है आपको? अभी जाके सेट पे काम कर सकते ना, रिवॉल्विंग है, ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड रिवॉल्व कर लेते, आईसी निकाल के लगाना आता है। अच्छा, साथ ही साथ आप सुबह में आपका सर्किट का क्लास हो रहा, लाइन वगैरह ट्रेस करने आ रहा, कंपोनेंट वगैरह चेक करने आ रहा आपको? कितने दिन हो गया आज को? 9 दिन
9 दिन हो गया जब आप आए थे तो खाली ग्लास का काम करते थे, पहले रिवॉल्विंग सिखाया आपको, पहले 4G सेट में भी एक ऑन कराया ना पहले भी, 4G में एक में सीपीयू वगैरह डाले उसमें आप, उसके बाद में सैमसंग के बोर्ड खोले, दो बोर्ड दिए ना आपको, फिर दो ओप्पो के खोले होंगे ब्लैक पेस्टेड, अगर ये पहले दिन खुलाते तो होता था क्या, ये खराब हो जाता था, डैमेज हो जाता था। वैसे भी ये सेट ऑलरेडी आप कहीं दूसरे टेक्नीशियन को दिए थे ना, ये और कंपोनेंट भी साइड से ये कर दिए, शॉर्ट कर दिए थे पूरा रंगा वगैरह लगा के, है ना। अच्छा फील हो रहा अभी, ठीक है, एक बार क्लैप्स करो भाई इनके लिए जोरदार सब लोग, ठीक है सतीश, थैंक यू वेरी मच, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक।